200 यूनिट वापने करके 201 हो जाए तो सारा रिकवर कर देंगे। 301 का आएगा, 301 फिर बिल देना पड़ेगा कि माफ होगा? नहीं, अगर 300 से एक्सीड करेगा तो 300 के पूरा आएगा, अगर 300 से एक्सीड करेगा तो 300 के पूरा आएगा। सत श्री अकाल जी सारिया नू, आप सब जी का स्वागत है। असं दोस्तों हाजिर हो अज की वड्डी अपडेट दे नाल। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देण दा असल सच आया सामने। अगर 301 यूनिट होए तो तुहानू देना पवेगा सारियां 300 यूनिट्स का बिल। सो दोस्तों इस दी सारी जानकारी तुहानू असीं अज इस वीडियो दे राहीं देवांगे। सो दोस्तों इस वीडियो नू एंड तक जरूर देखना जी, और इस वीडियो नू वध तों वध सब दे नाल शेयर करना, इस चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना जी। सो आओ दोस्तों हुण असीं अपनी अज दी इस वीडियो नू शुरू करदे हां। सो दोस्तों आप सरकार ने गरंटी दी सी कि हर एक घर को 300 यूनिट बिजली दे मुफ्त दिते जाएंगे। सो दोस्तों इस दे बारे में एक अलग ही सच्चाई सामने आ रही है, जिस दे विच केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर 300 यूनिट तो उपर एक यूनिट होर हो जाता है, मतलब कि 301 यूनिट हो जाते हैं, तो तुहानू पिछले सारे 300 यूनिटा का बिल देना पवेगा, मतलब कि तुहाडा बिल माफ़ नहीं होएगा, तुहानू सिर्फ 300 तक ही बिल माफ़ होएगा। दोस्तों हुण तक सारे पंजाब इस तरह ही लगता सी कि एक महीने के 300 यूनिट माफ हैं, दो महीनों के 600 यूनिट, और उन्होंने लगता सी कि 600 यूनिट के उपर जिन्ना बिल बनेगा वह उन्ने बिल का भुगतान करेंगे, पर दोस्तों ये गलत है। दरअसल दोस्तों अगर तुम एक महीने के 300 यूनिट तो उपर वरतों कर लेंगे हो, मान लो तुम 320 यूनिट वरते हैं, तो तुहानू उपरलिया 20 यूनिट्स का नहीं सगों सारिया 320 यूनिट्स का जो बिल है उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आओ तुहानू असीं हुण वीडियो दिखाते हैं जिस दे विच केजरीवाल जी आप ये सारी गल दस रहे हैं। सो वीडियो नू अंत तक जरूर देखना, सब जना शेयर जरूर करना जी। दिल्ली के 200 यूनिट वापने करके 201 हो जाए तो सारा रिकवर कर देंगे। 301 यूनिट हो गए तो रिकवर करोगे? हाँ जी, हाँ जी, वही होगा जैसे वहाँ पे। 301 आ गया तो एक यूनिट का बिल आएगा? नहीं, 301 आएगा। 301 आएगा फिर बिल देना पड़ेगा कि माफ होगा? नहीं, अगर 300 से एक्सीड करेगा तो 300 के पूरा आएगा, 300 तक माफ है, 300 तक जिस जिस का आएगा वो फ्री है। ये 301 आ गया फिर देना पड़ेगा? फिर देना।